कल कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, हैरी किए आपने अभी? हाँ जी सर, प्लीज। क्लास बी में 100 सबनेट बनाने के लिए बोला गया था, आपने किए दिव्या अभी? आपको नहीं सर, मैंने नहीं किया अभी टाइम नहीं मिल पाता? सर। वो बिल्कुल क्लास के बाद ही पूरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है 10 बजे तक, तो कल टाइम नहीं मिला सर। बाकी बच्चे नहीं करने देते होंगे काम? बस सर, वो अभी बिल्कुल 1 to 10 ऑफिस होता है ना सर, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अभी सुबह कर नहीं पाई, वरना जनरली सुबह ही करती हूँ। आज थोड़ा सुबह भी लेट हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बैच कवर कर लेना, इसमें कोई समझ में नहीं आया। नहीं नहीं सर, मैं रिवाइज करूंगी उसको, मैं कर लूंगी। 100 सबनेट के लिए एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 अगर करते हैं तो 64 बनेंगे, यानी ये तो सर 40 हो, इसका 7 लिए सर। मतलब 7 करना पड़ेगा, तो 128 हो जाएगा। तो इसका मतलब 7 बिट्स हम यहाँ पे ऐसे ऑन कर देंगे, तो पांचवें जो आपके पास स्टेप होगा उसमें मास्क 255, 255 और तो कितना हो जाएगा, 254 सर, 254.0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मास्क 254.0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 7 बिट आप ऑन करेंगे तो इस के ऊपर जो ब्लॉक साइज है वो कितना आएगा? क्यों, 2 आएगा सर। 4 क्यों आएगा? 7 बिट है नहीं, आएगा, दो दो आएगा, दो, 2 to power 1 है। ठीक है ना? जब 2 आएगा आपके पास तो पहला 0 से हो जाएगा, फिर 2.0 हो जाएगा, 4.0 हो जाएगा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा? 254.0 तक जाएगा। वैलिड आईपी जो बचेंगे, चूंकि 7 आपने बिट्स ऑन कर दिए हैं, तो 1 बिट तो यहाँ से बचेगी और 8 ही होंगी, यानी होस्ट की 9 बिट बच रहेंगी। तो होस्ट की जो बिट्स बचेंगी वो 2 की पावर 9 -2 कितना बिट्स बचेगा? जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये तो 0.0 होगा, और जो सेकंड शुरू होगा दैट इज 2.0 से होगा, सर और इसी तरीके से अगर थर्ड शुरू होता तो 3.0 से होता, और जो लास्ट होता वो कहाँ से होता? 254.0 से होता। तो पहला 0.0 से है, दूसरा 2.0 से है, तो ये वाला जो फिनिश हो जाएगा ये 1.255 पर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3 से एक कम, 2.255 हो जाएगा, और नेक्स्ट 4 से होगा। नहीं सर, यहाँ 4 आना था ना, 3 की जगह। कितना आएगा? यहाँ 4 आना था, 3 की जगह 3 आना है, और यहाँ पे कितना आना है? 4 आना है। 4 आना। अगला 6 से शुरू होगा तो ये 5.255 हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यूड जो हो जाएगा 0.1 है, लास्ट 1.254 है, ये 2.1 हो जाएगा, ये 3.254 हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा, और 5.254 हो जाएगा, और ये 254.1, और लास्ट में 255, फिर ये 255, और यहाँ पर 255.254। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम इसकी बात करते हैं क्लास ए की, एंड 50 सबनेट बनाते हैं, तो 6 बिट करेंगे ये 64 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और आपके पास 6, ये 2 बिट्स बच रहेंगी, तो 2 ये होंगी, और 16 और 2 18 बिट बचेंगी। मास्किंग जो हो जाएगी वो 255 और 252 हो जाएगा। .0.0
कितने बिट ऑन करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 0 0 ब्लॉक साइज कितना होगा यहाँ पे, चार चार। का हो जाएगा। यहाँ पर जब ब्लॉक साइज 4 का हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो गया आपका, तो ये 4.0 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, क्लियर है? 8.0, और ये कहाँ तक जाएगा, 252.0.0 तक। फिर यहाँ पर जो वैलिड आईपी थे वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 18 हो जाएगा। तो ये 4 डॉट होगा, ये 8 डॉट होगा, लास्ट में 252.0.0 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7, ये 4001 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11, और ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। कल हमने समराइजेशन तक कर लिया था, एक सवाल मैंने कराया था, बाकी सारे सवाल आप लोगों ने किए थे सेम पैटर्न के ऊपर। आज एक नेक्स्ट टॉपिक है सुपर नेटिंग। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ टू और मोर क्लासफुल नेटवर्क आईडीज बिलोंग्स टू सेम क्लास, यानी दो नेटवर्क हों क्लास सी की जिनकी मास्किंग 24 हो, दो नेटवर्क हों क्लास बी की जिनकी मास्किंग 16 हो, या दो नेटवर्क हों क्लास ए की जिनकी मास्किंग 8 हो, या दो से ज़्यादा हो। तो एडिशन ऑफ टू और मोर क्लासफुल नेटवर्क आईडीज बिलोंग्स टू सेम क्लास, उसमें क्या था, एडिशन ऑफ टू और मोर सबनेट आईडी था जो एक ही क्लास की किसी एक एनआईडी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर क्लासफुल नेटवर्क आईडी है, जो कैलकुलेटेड एड्रेस होगा नोन एज सुपरनेट नेटवर्क आईडी, और मास्क ऑफ सुपरनेट नेटवर्क आईडी विल बी लेस देन डिफॉल्ट मास्क। नोट करें, ओके और
एक नंबर लिखें 199 10 डॉट 5.0/24, 10.6.0/24। ये तीन नंबर हमने क्लास सी के लिए, जिनकी मास्किंग 24 है, क्लास फुल एनआईडी है, इनका क्या करना है? सुपरनेट एनआईडी निकालनी है। जो प्रोसीजर कल आपने अप्लाई किया था, सेम प्रोसीजर अप्लाई करें सारे लोग अपनी कॉपी को फॉलो करते हुए, और आंसर बताएं क्या आएगा। वन 199। और कोई निकाले भाई, दिव्या और वो दोनों में से कोई। अभी कल का तो कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करना है। ये तो आसानी है, इसमें क्या दिक्कत थी? ये तो अब फिर तो पेंडिंग होते चला जाएगा। आप निकालने भी पढ़ने फिर क्या नाम है, हैरी? फिर बस निकालने लगा, ऑलमोस्ट हो गया। सर मेरे को इसमें एक डाउट आ रहा है, ये जो /22 आ रहा है, ये हमारी लास्ट में दो जो 2 जीरो बचती हैं उसकी वैल्यू है ना /22, जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करके देखा था उसे। हाँ यहाँ पर 8 बिट कॉमन है, ये 8 बिट कॉमन है, तो इसका हाँ मतलब तो 255 हो गया, और इसका मतलब 255 हो गया।
अब जो तीसरे और चौथे ऑक्टेट में क्या आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 और 6 को 7 को ले आते हैं, इसको इसको बाइंड कन्वर्ट कर देते करते हैं। जब बाइनरी में आप कन्वर्ट करते हो तो इसकी वैल्यू ऐसे आती है, 6 की वैल्यू ये निकल कर आती है और 7 की ये निकल कर आती है। अब आप देखते हो कितनी बिट जो सेम पैटर्न पे, यहाँ सारे जीरो हैं, सारे जीरो, सारे जीरो, सारे जीरो, यहाँ सारे जीरो, यहाँ सारा वन है, तब भी वन लिखेंगे। हैं। हाँ जी लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर जीरो है, इधर वन है, ये बिट का पैटर्न अनकॉमन हो गया, हाँ तो जी यहाँ से अब आगे क्या हो जाएंगे, ऑल जीरोज हो जाएंगे। तो अब ये जो पूरा जो ऑक्टेट है, इस पूरे ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है, 6 बिट पर 252 ही होगी ना। हाँ जी जो नया मास्क निकलेगा, दो बार तो 255 है, तीसरे में 252 आ गया, चौथे में 0 हो जाएगी। तो 8 बिट ये 8 बिट ये 16 और 6 बिट ये, दैट्स वाई 22 हो गया। ओके 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 ठीक। सर पर इसमें तो जैसे ये कॉमन है /24 सब के पीछे लगा हुआ, पर अरे जैसे आपने कल जो ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया इसमें /24 कॉमन है सब में, जी पर जैसे हमने कल जो क्वेश्चन किया था क्लास ए के लिए उसमें सारे अनकॉमन थे कि इसमें 25 था कि इसमें 22 था। ठीक है, इसको तो हम देख ही नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट क्या कितने कॉमन होंगे, ओके ठीक इसको तो हम चेक ही नहीं कर रहे ना, हम तो अपना नया मास्क निकाल रहे हैं। है ठीक है ठीक है, तो इसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी हो। सर। और उसमें एक बार 4 कैसे आया सर, आप बस ये बता दो जल्दी से। हाँ ये 4 कैसे आया, बॉक्स है ये जो 5 6 7 में जो ये वाला वन है, हाँ जी बिट का पैटर्न कॉमन है, तो आखिरी बिट का जो पैटर्न कॉमन है इसकी क्या वैल्यू होगी, 4 4 होगी, तो ये 4 ब्लॉक साइज हो गया आपके पास। पहला अच्छा 0.0 से होगा, दूसरा 4.0 से होगा, तीसरा 8.0 से, ये 3 255 तक जाएगा, ये 7 255 तक जाएगा, और 5 6 7 में ये वैल्यूज आती हैं, यानी ये वैल्यू सारी पहले वाले में आएंगी, दैट्स व्हाई 4.0 यहाँ पर आ जाएगा। चलें, तो सुपरनेटिंग क्यों कहा गया, रीजन बिहाइंड इज दैट प्रोसीजर सेम है। मास्किंग कितनी आएगी सुपरनेटिंग में, डिफॉल्ट से कम, लेस देन। तो यहाँ पे क्लास सी का नंबर है, मास्किंग कितनी होनी चाहिए थी उसकी, 24, ये डिफॉल्ट है, यस नंबर आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। यस और कल जो हमने किया था, जो सुपर नेटिंग समराइजेशन था, उसमें रूल क्या था कि मास्किंग डिफॉल्ट से ज़्यादा आएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस कल किए गए थे, इन ऑल दी क्वेश्चंस हमने ये देखा था कि क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 होनी चाहिए, कितनी आ रही है, 28, ग्रेटर देन आ रही है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपने किया था, मास्किंग क्लास बी की 16 होनी चाहिए, कितनी आ रही है, 22 आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है। इसी तरीके से क्लास ए का नंबर आपने किया था, मास्किंग 8 आनी चाहिए, आ कितनी आ रही है,
आ रही है, ठीक जी। नाउ आईपी एड्रेसिंग का लास्ट टॉपिक जिसको मैंने नाम दिया है टिप्स एंड ट्रिक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी नंबर किसी ने आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल 212, 159, 139, 147/30 एंड विद रेस्पेक्ट टू दिस नंबर उसने बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट कर दिए कि इसका क्लास क्या होगा, जो नंबर दिया गया है इसके अंदर नेटवर्क की बिट्स कितनी होंगी, इसके अंदर होस्ट की बिट कितनी होंगी, इसके अंदर वैलिड आईपी कितने होंगे, इसका मास्क क्या होगा डेसिमल डॉट में, मास्क इन डेसिमल एंड डॉट में क्या मास्क होगा, इस नंबर की एनआईडी क्या होगी, हो सकता है खुद ही एनआईडी हो, इस नंबर की बीआईडी होगी, हो सकता है खुद बीआईडी हो, ये नंबर जिस एनआईडी से बिलोंग करता है उसका फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा, हो सकता है ये खुद ही फर्स्ट वैलिड हो, लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा, ये नंबर जिस एनआईडी से बिलोंग करता है उसकी प्रीवियस एनआईडी क्या होगी, उसकी नेक्स्ट उसके बाद वाली एनआईडी क्या होगी, क्या ये नंबर क्लास फुल है, क्या ये नंबर क्लास लेस है, क्या ये नंबर सबनेट है, क्या ये नंबर सुपरनेट है, इतने क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। सारे तो कोई नहीं देगा, ये तो मैंने इतने बहुत सारे लिख दिए, नोट करें सबके आंसर निकालते हैं।
हो गया अभी नोट। क्या करना है, ध्यान से सुने, नोट कर नहीं करें अभी, बाद में नोट करें। जो मास्क दे रखा है 30 फिट, इस 30 का मतलब क्या हो गया, 255 यानी 8 फिट, फिर 255 8 फिट, फिर 255 8 फिट, कितनी फिट हो गई, कितनी बिट और ऐड कर देंगे, 30 हो जाए, और कितना वैल्यू होगा यहाँ पे डेसिमल में, 6 बिट का 252। नाउ दूसरा पॉइंट याद ये रखना है कि जहां जहां पर 255 है, उसके ऊपर जो वैल्यू है उसको एग्जैक्टली नीचे लिख दें। दो बार 255 होता है, दो ऑक्टेट आए थे, एक बार होता तो एक। मास्किंग में जो जीरो है एंड 255 है, ये मल्टीपल टाइम्स आता है। क्लास ए में मल्टीपल टाइम्स जीरो है, क्लास बी में दो बार 255 और दो बार जीरो, क्लास सी में 3 बार 255 है। लेकिन जो वैल्यू मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये हमेशा एक ही बार आती है, ये दो बार आ ही नहीं सकती है। 128 दो बार नहीं आएगा, आपने सबनेटिंग की है बहुत बार। 192 एक ही बार आएगा, 224 भी एक ही बार आएगा, 240 भी एक ही बार आएगा, 248 भी एक बार आएगा, 252 भी एक बार आएगा, और 254 भी एक ही बार आएगा। तो अगर किसी ऑक्टेट के नीचे इस वैल्यू में से कुछ है, जैसे कि यहां पर 252 है, तो क्या करेंगे, इसको आप अलग ले आइए, 147, 252, 252 के ऊपर ब्लॉक साइज कितना होगा, 4, 4 से 147 को काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, इतना बचा 2, उसके बाद नेटवर्क आईडी के लिए, यानी इसके निकालने के लिए मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। अगर 36 की गुणा 4 से करते हैं तो क्या आएगा, 144। और अगर हम ऐसा कर दें कि 147 में से माइनस कर दें 3 को, जो शेष बचा है, तब भी 144 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 144। ये आपने क्या निकाल लिया, नेटवर्क आईडी। दूसरा तरीका ये था, सब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते रहते और निकालते, उसमें वक्त ज्यादा लगता है, इसमें वक्त कम लगेगा, क्योंकि प्रोसीजर अभी आप सीख रहे हैं। आपने केवल उसी नंबर को काटना है जहां पर ब्लू वाले जो पैरामीटर्स हैं दे रखे हैं, बस ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने करना है। बाकी जहां जहां 255 है, ऊपर की एग्जैक्ट वैल्यू नीचे आई जानी है। अब जब ये आपके पास नेटवर्क आईडी निकल गई, तो जो वैल्यू लास्ट ऑक्टेट में आई है ये वाली, इसके अंदर इसको जोड़ दो, ब्लॉक साइज को, कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद, 144 में 148। 148, 212, 159 हो गया, 39 हो गया, और 148, ये निकल आई अगली एनआईडी। जब अगली एनआईडी निकल आई, तो हमारे लिए सारी चीजें बड़ी आसान है। अगली एनआईडी से एक कम क्या होता है, आपकी अपनी क्या होती है, बीआईडी, या आपकी बीआईडी निकल आई। इससे एक कम क्या होता है, लास्ट वैलिड आईपी। एनआईडी से एक ज्यादा क्या होता है, फर्स्ट वैलिड आईपी। ये जो नंबर है कौन सी क्लास का नंबर है, सी का है। नेटवर्क की बिट कितनी है, 30 है।
होस्ट की बिट हमेशा 32 में से माइनस कर दो नेटवर्क की बिट को, टू तो आ गया वैलिड आईपी 2 की पावर 2 माइनस 2 4 माइनस 2 बराबर 2 के आ गया। डेसिमल डॉटेड में मास्क निकल गया है, नेटवर्क आईडी निकल गई, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, नेक्स्ट एनआईडी, प्रीवियस एनआईडी निकालनी है तो 144 में से कितना माइनस कर दोगे, 4, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगी प्रीवियस एनआईडी। क्लियर है भाई, पहले वाली एनआईडी 104 होगी तो 144 होगी, फिर 148 होगी। भाई आपकी एनआईडी 144 निकली है, 144 में ब्लॉक साइज 4 जोड़ रहे हैं तो अगली निकल रही है, 4 माइनस करेंगे तो पिछली निकल जाएगी। नहीं आ रही समझ में, हैरी आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ रही है, आ रही है। क्या ये क्लासफुल है? क्लासफुल तो तब होता जब इसकी मास्किंग कितनी होती, क्लास सी का नंबर 24 पे होगा तो क्लासफुल होगा, इससे ग्रेटर देन हो जाए 24 से या कम हो जाए तो क्या बन जाएगा, क्लास लेस। इधर भी क्लास लेस और इधर भी क्लास लेस, तो मास्किंग ग्रेटर देन है किससे, 24 से, तो ये क्लासफुल नहीं है, क्लास लेस है। यस सबनेट है, यस सुपरनेट का वो था जब मास्किंग कितनी हो जाती, कम से कम 23 तो होती, मास्किंग क्लासफुल से अगर कम होगी तो क्या बनेगा, सुपरनेट। अभी पीछे देखा ना आपने, मास्किंग क्लासफुल से कम होगी तो क्या बनेगा, सुपरनेट। सुपरनेट मास्किंग क्लास से कम आती है, नोट करें इसको।
हो गया नोट। जी सबको नोट हो गया भाई। हो गया सर। ठीक इसी क्वेश्चन को रखते हैं, सारे पैरामीटर्स यही हैं, मास्किंग चेंज कर देते हैं। 212159 139 147 लेट्स से मास्किंग 21 रख दिया। सारी चीजें वही फाइंड आउट करनी है जो पीछे लिखी थी। क्या करेंगे 21 का मतलब? सोलह कितनी बिट्स ऑन, 16 में कितना जोड़ा 21 हो जाए, 5 पे कितना हो गया, 1 नहीं 0 1 0 1 कितना हो गई वैल्यू जीरो डेसिमल, जीरो वन डेसिमल में कितनी वैल्यू हो गई? दो सौ 48.0। तो जहां जहां पर 255 है, इन वैल्यूज को एग्जैक्टली यहां नोट कर दें, और जहां जीरो है वहां जीरो लिख दें। आपको हमेशा वो पैरामीटर जो ब्लू कलर से लिखे थे वहीं पे कट करना होगा। तो 239 को 248 के साथ में रख लीजिए। लॉक साइज कितना होगा 248 के ऊपर? हाँ जी, 8 का, 8 से काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, कितना बजा, कितनी बार जाएगा? एट की मल्टीप्लाई 17 से कीजिए, कितना आएगा? 136। ये आपकी क्या निकल गई, पूरी एनआईटी। अब जो वैल्यू अभी आई है, इस वैल्यू में 8 जोड़ दो, अगली एनआईटी कितनी निकलेगी बताओ? 212159 कितना लिखूं? 144.0। ये क्या हो गई, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। आपकी अपनी बी आई डी कितनी हो गई, 212159.39.255, नहीं 143.255, 143. ठीक है जी, यहाँ तक 136.1 और 143.254। कौन सी क्लास है? सी। नेटवर्क की बिट कितनी है, 21। होस्ट की बिट कितनी हो जाएंगी, 32 - 21 = 11 के। वैलिड आईपी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 11 - 2 के। सारा कुछ निकल गया। प्रीवियस अगर निकालनी हो तो इसमें क्या कर देंगे, 8 कम कर देंगे। तो माइनस प्रीवियस में क्या निकल जाएगा, 8 कम कर देंगे तो कितना हो गया, 28 128.0 हो गया। बाकी क्या ये क्लासफुल है? नो, ये क्लासफुल नहीं है, क्योंकि इसकी मास्किंग क्लास 8 से 24 ज़्यादा या कम है, कम है तो ये क्या है, सुपरनेट है। ठीक है जी, नोट करें। क्लास सी है जी। भाई क्लास पहली ऑक्टेट से रिकॉग्नाइज होता है, क्लास 192 से 223 से रिकॉग्नाइज होती है, ना कि मास्किंग से।
सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे शुरू से। हाँ भाई ये नंबर लिया हमने मास्किंग किस बेटे, इसको जी। डेसिमल डॉट में लिखोगे तो 16 ये हो गया। एक मिनट, हेलो वालेकुम सलाम भाई, मैं क्लास में हूँ अभी, मैं क्लास में हूँ साहब, मैं फ्री होऊंगा तकरीबन 2 बजे। ठीक, दो सौ पचपन, 255 16 हो गया। 16 में ये आपके पास 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 248। अच्छा तो 248 डॉट जीरो हो गया। तो जहां जहां 255 ऊपर की वैल्यू को, जो पिछले सवाल में किया था वैसी कैरी कर लीजिए, जहां जीरो आ जाए वहां जीरो लिख दीजिए। अगर मान लो यहाँ 248 होता और यहाँ जीरो होता तो हम 2 बार जीरो लिख देते, इधर एक बार 205, ये लिख 212 लिख देते, यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करते। तो जहाँ पर भी ब्लू कलर से जो पैरामीटर्स लिखे थे, 192, 128 वगैरह, उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है उससे ब्लॉक साइज को कट कर दिए, इसको हम यहाँ पर लिया है 139, 248, 248 से ब्लॉक साइज 8 आ गया। 8 को विदाउट फ्रैक्शन जब हम कट करेंगे तो वैल्यूज आ रही है, 17 बार कट होगा वो 136 आ गया। उसको यहाँ लिख दिया गया, इसमें एडिशन कर दिया गया 8 का, तो अगली एनआईडी निकल आई। बट उसके बाद अगली एनआईडी से एक कम ये आपकी बीआईडी हो गई, उससे एक कम लास्ट वैलिड हो गया, एनआईडी से ज़्यादा फर्स्ट वैलिड हो गया। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 21 है, होस्ट की बिट 32 में से हमेशा नेटवर्क की बिट घटा दें 11 आ गया, ये वैलिड आईपी हो गया। अगर इसकी मास्किंग 424 होती तो क्लास फुल होता, 24 से कम हो जाए ज़्यादा हो जाए क्लास लेस हो जाएगा। तो ये जो नंबर है वो क्या है, क्लास लेस है, नंबर अच्छा आपके पास क्लास लेस है। और क्लास लेस में क्या है, ये सुपरनेट है। ठीक है जी, ठीक है सर। सर इसमें एक चीज है जो आपने ये ब्लू पेन से जो भी आपने लिखवाया था ऊपर 128 192, जी जब यहाँ पे ये 248 ये वाली सीरीज आएगी तभी हमने ये डिवाइड करना है या वो? तभी तभी होना, अदरवाइज तो वो सेम ही आएगा भाई। यहाँ पे ब्लॉक साइज एक ही होगा तो ऊपर वाला सेम ही नंबर आ जाएगा ना भाई। किसी ऑक्टेट में 5 बिट 8 बिट ऑन है, ब्लॉक साइज कितना हो गया भाई, 8 बिट ऑन कर दी किसी ऑक्टेट में, आखिरी बिट ये ऑन हुई ना, फिर हाँ जी जैसे 7 ऑन कर रहे थे तो इसका ब्लॉक साइज ले रहे थे ना, हाँ जी 6 ऑन कर रहे थे तो इसका ब्लॉक साइज ले रहे थे ना, 4 आ रहा था ना यहाँ पे, दो हाँ आ रहा था। अब अगर 8 बिट ऑन कर दी तो आखिरी बिट का ब्लॉक साइज कितना होगा, वन 1 होगा। तो 1 से 212 को काटोगे कितनी बार जाएगा भाई, ब्लॉक साइज से 212 को काटोगे कितनी बार जाएगा, क्या हो गया हरी, 1 से 212 काट रहे हैं कितनी बार जाएगा, बारह 212 बार बार जाएगा तो सेम ही आ जाएगा ना फिर, 212 बार जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 212 ही हो जाएगा ना वो। तो दैट्स वाई जहां जहां 255 है उसको एग्जैक्टली उतार लेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई जिससे करेंगे जीरो हो जाएगा। ये वैसे ही है ना, 255 है और ऊपर है, इसकी अगर आप एंडिंग करते हो तो एंडिंग करने के बाद यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी भाई। आएगी। इफ यू आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑन द एंड गेट पे अप्लाई करते हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके ऊपर तो यही वैल्यू आने वाली है ना, और हाँ जहाँ जी होगा जीरो आने वाला है। वो तो हमने उसको बाइनरी से कि कैलकुलेशन में आप ना हैंग अप हो, क्योंकि बाइनरी में फंस जाएंगे तो बहुत गलतियां होंगी, यहाँ गलती के चांसेस नहीं है, पहाड़े पढ़ना है और काटना है और क्या करना है, जी गेम की तरह हो रहा है एक बस, और क्या हो रहा है, घर से सवाल नोट करने इसी के ऊपर करने के लिए। पहला क्वेश्चन, सेकंड,
सातवें सवाल में ये बताया गया है कि एक मशीन है, उसका आईपी एड्रेस 9.10.11.12/6 है, दूसरे का 10.11.12.13/6 है, क्या दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगी कि नहीं करेंगी? अरे अभी करने हैं? नहीं, होमवर्क है, एक करके दिखाएंगे अभी आप यहाँ पे, ये सारा होमवर्क करना, एक क्वेश्चन करके दिखा दें, पहला वाला करके दिखा दें।
क्या निकाला भाई? सर इसका ब्लॉक साइज ही 128 आएगा। मास क्या है पहले तो? मास कूलन डेसिमल डॉटेड में 255। 0 0 1 4 3 चौथे ऑक्टेट में क्या आया? भाई 24 बिट डाउन हो गई, 25 बिट डाउन करोगे तो क्या होगा? 128 128। तो जहां जहां पे 255 है, ये 2.12969 ऐसी रख जाएगा। अब यहाँ पे 128 के साथ में कौन है? 25 किसके साथ हाँ में? 128 के साथ में ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा? 128, 128 से 25 को काटेंगे कितना आएगा? 0. भाई 0 लगा के आगे काम होगा ना, उससे पहले तो नहीं होगा ना। तो हमें ये वाला पार्ट वन चाहिए नहीं, हमें 0 से पहला वाला चाहिए। तो मोटा मोटा रूल याद रखना है कि जब कभी भी न्यूमरेटर आपके पास छोटा होगा, डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा हो जाएगा यानी ब्लॉक साइज, तो हमेशा क्या हो जाएगी एनआईडी? क्या हो जाएगी वैल्यू? 0 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? बाकी एनआईडी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगली एनआईडी क्या होगी? 2.12969128 हो जाएगी। तो पहले वाले का बीआईडी क्या हो जाएगा? 2.129, और कितना हो जाएगा? 69.127। ठीक है, इसका फर्स्ट वैलिडी हो जाएगा, लास्ट वैलिडी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई नहीं आया सर। आपका जब कभी भी कैलकुलेटर में आप करो जाके, 25 को डिवाइड करो 128 से, जीरो हाँ पॉइंट हाँ सर वो तो ठीक है। आएगा। 0. समथिंग आएगा तो वी विल नॉट केयर दी आफ्टर दी डेसिमल, बिफोर दी डेसिमल चाहिए हमारे को। मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 0 हो गया। तो हमारे राइट। पास ये वाला पैरामीटर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसके अंदर 128 को जोड़ेंगे ब्लॉक साइज को, तो अगली कितने से आ जाएगी? हाँ ये आ इस जाएगी। से आ जाएगी। उससे एक कम क्या हो जाएगा? ये वाला कम हो जाएगा, अच्छा एक जी 128 से कम 27 हो जाएगा। उससे कम क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 0 से ज्यादा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक राइट। है जी।
जी भाई क्लियर है यहाँ तक? बाकी क्वेश्चन घर से कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। राउटर, बेसिक पोर्ट्स इन सिस्को राउटर। ये बॉक्स हो गया राउटर का, ये जितने पोर्ट्स बनाए गए हैं दे आर दी RJ45, जो आपके लैपटॉप में आपके वाईफाई मॉडेम से वायर लगाकर एक वायर लगाया जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। जो कनेक्टर होता है वो RJ45 मेल फीमेल कनेक्टर होते हैं। सिस्को के राउटर में कोई पोर्ट होगा जो कि लैन पोर्ट होगा। जो लैन पोर्ट है वो ईथरनेट भी हो सकता है, जो 10 Mbps को सपोर्ट करे। फास्ट ईथरनेट भी हो सकता है, जो 100 को भी करेगा और 10 को भी करेगा। गिग भी हो सकता है, जो 100 को भी करेगा और इसको भी करेगा। आपके पास 10 को भी करेगा और 1000 को भी करेगा। तो लैन से चला जाते हैं हम, किसमें? स्विच में चले जाते हैं। और स्विच से फिर क्या लग जाते हैं? मल्टीपल पीसीज लग जाते हैं। दूसरा पोर्ट इसमें हो सकता है कंसोल पोर्ट। कंसोल जो पोर्ट है वो जाता है पीसी के अंदर, कहाँ पर? DB9 में। DB9 का मतलब डेटा बस 9 पिन। ये आपके पास जो कंसोल पोर्ट है इसका पर्पज है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को राउटर। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को में कुछ भी कॉन्फ़िग नहीं होती है, हमें करना पड़ता है कंसोल केबल के थ्रू। अगला जो पोर्ट है ऑक्सिलरी पोर्ट, ये अब यूज़ नहीं होता। ये तब यूज़ होता था जब एनालॉग मॉडेम होते थे, जो हमारे पास PSTN लाइन होती थी, है जी, जो डिजिटल लाइन नहीं होती थी, इसका अब कोई यूज नहीं करता। एक पोर्ट होता था BRI पोर्ट। BRI कहलाता था बेसिक रेट इंटरफेस, BASIC बेसिक रेट इंटरफेस। इसका इस्तेमाल होता था ISDN लाइन की तरफ। अब ISDN लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि मॉडर्न राउटर ने बहुत कॉस्ट रिडक्शन कर दिया। फिर एक पोर्ट होता था DB60, डेटा बस 60 पिन, ये कहलाता था सीरियल पोर्ट। और पुराने फेज में, पुराने जमाने में, यही पोर्ट कनेक्टेड होता था किससे? ISP से जाके, इंटरनेट से जाके। अब ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपके मोबाइल फोन पे भी इंटरनेट चलता है। आज की डेट में आपके राउटर के पास, अगर कोई राउटर है, उसका एक ईथरनेट है, एक फॉर एग्जांपल Ethernet 1 है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से और ये कनेक्ट हो जाएगा लैन से। अब वो नहीं रहा कंडीशन के सीरियल होना कंपलसरी है जाने के लिए। ये जो सीरियल पोर्ट थे ये स्लो लिंक होते थे, ये स्लो लिंक होते थे। बैंक सेक्टर में अभी भी यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि बैंक में क्या करना है, सरकारी संस्थाएं, और पुराने डिवाइस पे काम चल रहा है, क्योंकि उनको क्या करना है, आपका नाम भेजना है और कितने पैसे ट्रांसफर हुए इतना काम करना है। नोट करें,
ये जो आपने जहाँ स्पीड लिखा है उसके साइड में क्या लिखा है आपने, ये एफ और जी? ये ईथरनेट पोर्ट, फास्ट ईथरनेट, गिग पोर्ट, 1000 एमबीपीएस अच्छा का होता है, गीगाबिट। सर ठीक, जी नोट हो गया आपको। जी सर, अभी क्लास में नोट कर रहे हैं। केबल एंड कनेक्शन, ये राउटर R1 है, ये राउटर 2 है,
अगर इन दोनों राउटर को ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट या गिग से जोड़ा जाए, तो ये जो वायर लगी है बीच में, इस वायर का नाम होगा क्रॉस केबल। अगर इन दोनों राउटर को जोड़ा जाए उस केबल, उस पोर्ट के थ्रू जो कि DB60 है, तो DB60 टू DB60 जब जोड़ेंगे तो इस केबल का नाम होगा DT&DC केबल। अगर किसी राउटर को किसी स्विच से जोड़ा जा रहा है तो इसके बीच में जो केबल लगेगी उसका नाम होगा स्ट्रेट केबल, उसका नाम होगा स्ट्रेट केबल। अगर दो स्विच आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं तो उस केबल का नाम होगा क्रॉस केबल। अगर किसी स्विच से किसी पीसी को अटैच करेंगे तो ये जो केबल लगेगी उसका नाम होगा स्ट्रेट केबल। अगर किसी राउटर से, ये स्क्रीन है, ये आपके पास मशीन है, अगर इसका लैन पोर्ट कनेक्ट करना हो, यानी राउटर के ईथरनेट से या फास्ट ईथरनेट से या गिग से, वी वांट टू कनेक्ट पीसी का लैन कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये होगी क्रॉस केबल। अगर राउटर के कंसोल पोर्ट से, राउटर के कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं इसका DB9, डेटा बस 9 पिन, या COM1, कम्युनिकेशन पोर्ट 1, तो ये कहलाएगी कंसोल केबल। दिखाते हैं इनकी शक्लें कैसे कैसी होती हैं। कंसोल केबल नोट करें,
हो गया। अब जो केबल्स हैं वैसे तो बनी बनाई मार्केट्स में अवेलेबल बट हमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए स्ट्रेट केबल के अंदर कितनी पिंस होती हैं, कौन सा वायर कहाँ लगता है, पिन डायग्राम ऑफ स्ट्रेट केबल। तो जो केबल आप अपने लैपटॉप में लगाते हैं उसके दो एंड होते हैं और दोनों तरफ कनेक्टर लगा होता है, एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड ये हो गया। ये भी RJ45 कहलाता है और ये भी RJ45 कहलाता है, एक आपके लैपटॉप में लग गया, दूसरा सोचिए राउटर में या मॉडेम राउटर में लग गया। इसके अंदर 8 पिन्स होती हैं, दूसरी तरफ भी 8 ही पिन्स होंगी। अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स 568B, ये स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर ऑरेंज का पेयर होना चाहिए। तो पिन नंबर 1 पे ORANG ऑरेंज वाइट होगा, ऑरेंज वाइट। पिन नंबर 2 पे ऑरेंज होगा, पिन नंबर 3 के ऊपर ग्रीन वाइट, और पिन नंबर 6 के ऊपर ग्रीन। पिन नंबर 4 के ऊपर ब्लू और यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ब्लू वाइट और यहाँ ब्लू वाइट। पिन नंबर 7 पर ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, ब्राउन वाइट, और ये ब्राउन और ये ब्राउन। नोट करें दोनों साइड पर 568B स्टैंडर्ड है।
चले आगे। पेन डायग्राम ऑफ क्रॉस केबल क्रॉस केबल में एक साइड में 5 6 8 B स्टैंडर्ड काम करेगा और दूसरी साइड में 5 6 8 A। 5 6 8 ये कहता है कि पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर ग्रीन का पेयर होना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। 1 2 3 4 5 6 7 8। पिन नंबर 1 पे ओ आर ऑरेंज वाइट ये जाएगा दूसरे के 3 के ऊपर ऑरेंज वाइट ऊपर ऑरेंज ये दूसरे के 6 पर जाएगा। यहां पर ग्रीन वाइट ये इसके 3 पे जाएगा। टू पर ग्रीन ये इसके 6 पे जाएगा। बाकी वैसे ही रहेंगे ब्लू और ब्लू वाइट ब्लू और ब्लू वाइट और ये ब्राउन वाइट और ये ब्राउन जो पीछे बनाया गया था नोट करें।
तीसरी जो केबल है पिन डायग्राम ऑफ कंसोल केबल, ये सारी केबल्स मार्केट में बनी बनाई अवेलेबल होती हैं, अभी दिखाते हैं क्या शक्लें होती हैं इनकी। कंसोल केबल में एक साइड में RJ45 होगा और दूसरी साइड में DV9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और नमी पिन को छोड़ दिया जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पे जो वायर लगाए जाएंगे वो ऐसे लगाए जाएंगे 1 8 से 2 7 से, इस तरह दिखेगा कि ये सीरियल या पैरेलल केबल है, बट ये सीरियल और पैरेलल केबल नहीं है। 5 4 5 6, ये चला जाएगा किसमें? राउटर में, राउटर के RJ45 के अंदर, यानी जो कंसोल होगा कंसोल पोर्ट के अंदर। और ये चला जाएगा पीसी के अंदर DV9 या COM1 के अंदर, नोट करें।
गया। इनकी जो इस केबल की शक्ल से वो देख लें, बाकी क्लास कल करेंगे, देखते हैं कि इनकी इंटरनेट पे क्या शक्लें मिलती हैं, किस तरीके से केबल्स दिखाई देती हैं। जो आपने देखा, जो केबल जो दिखाई गई आपको, 568, 568 बी, तो ये पिन नंबर वन पे ऑरेंज है, दूसरे पे ऑरेंज वाइट है, पहले पे ऑरेंज वाइट, ऑरेंज पे ग्रीन, छठे पे ग्रीन है, आपके पास है ब्लू ब्लू वाइट, ये सारा है स्टेट केबल का। क्रॉस केबल अगर हम जाते हैं, तो क्रॉस केबल में अगर हम यहाँ देखते हैं, तो वन वाला किस पर जा रहा है, दूसरे के 3 पे, टू वाला दूसरे की 6 पे, इस तरह यहाँ का पिन नंबर वन इसके 3 पर, इसका ये 6 पर आ रहा, बाकी वायर सेम ही है। कंसोल केबल की शक्ल देखते हैं कैसी होती है, बनी बनाई आती है कंसोल केबल। कंसोल केबल इसी तरीके से होगी, ये DB9 है जो कि PC में चला जाएगा, और या लैपटॉप में चला जाएगा IBM वगैरह के, और ये जो RJ45 है ये रूटर में जाएगा। लेकिन कुछ लैपटॉप में ये पोर्ट नहीं होता, तो वहाँ पे उसकी जगह पे USB पोर्ट यूज़ किया जाता है। जो DT और DC केबल है, DT एंड DC CABLE केबल, उसकी शक्ल ये वर्ल्ड वाइड, एक पे DC लिखा हुआ, एक पे DT लिखा हुआ। ये आपके पास 60 पिन्स होती हैं, 60 पिन्स होती हैं, ये 15 15 पिन है, 4 इसकी रो है, 15 चौका 60, ठीक है जी। कल राउटर का शुरू होगा, कमांड लाइन कैसे काम होगा, परसों से आपका लैपटॉप चाहिए होगा, कल लैपटॉप की जरूरत नहीं है, लैपटॉप हमें चाहिए आप लोगों के, आज क्या ट्यूसडे, अच्छा ठीक है, तो थर्सडे में लैपटॉप आपको चाहिए होगा। आपके सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने होंगे क्या लैपटॉप पे? नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, हमारी वेब, हमारा जो सर्वर है जो क्लाउड पे है, उसको एक्सेस करना होगा आपने, कैसे करेंगे बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके बाय।